राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने निष्कासित कर्मचारियों की विभाग में खाली पदों पर भर्ती करने की मांग की। इस दौरान पॉलिटेक्निक चौराहे पर हजारों की संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हुए। महिलाओं ने रैली निकाली और सीएम हाउस पहुंचे। इन महिलाओं ने मुख्यमंत्री निवास में राखी भेंट कर मांगों को पूरा करने की बात कही। यह जो एनएचएम के अधीन 20-25 सालों से सेवा दे रहे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश सेवा दे रहे थे, इनको हटा के आउटसोर्स कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। आज से 20 साल पहले भी इन कर्मचारियों को 5000 रुपये वेतन दिया जाता था। आज 20 साल में महंगाई की दर में कितनी लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरी तरफ सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, विकास की बात करती है, सबके कल्याण की बात करती है। आज इन कर्मचारियों को सरकार का कल्याण ना करते हुए इनको आउटसोर्स में कर दिया गया, आउटसोर्स द्वारा, ठेकेदारों द्वारा इनका लगातार शोषण किया जा रहा है।